अज होना दीदार माही अज होना दीदार गैसट वेखना वा तो चीक निकल जानिया <laughs> गैसट वेखना वा तो कहना वा बी सुबहला मनपसंद दिलकश दिल, दिल नोरीन सुबह अला गेस्ट ऐसा भाई खूम ही नहीं मान <laughs> ओहा ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ مزید ਆਪਕੇ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਈਏ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੀਵਾਰ ਢਾਈ ਕਿਉਂ ਗੈਸਟ ਗੈਸਟ 44 ਜੀ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਦਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਈ ਵਾਕਈ ਗੈਸ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਈ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੇ ਛੱਡੋ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੋੜਦਾ ਦੀਵਾਰ ਆਪਕੇ ਔਰ ਗੈਸਟ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਰਹਾ ਹਾਂ ਅਬ ਅਗਲਾ ਜੋ ਫਰੇਮ ਆਏਗਾ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਉਹ ਆਪਕੋ ਆਪਕੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਗਾ ਹਮਾਰੇ ਅੱਜ ਕੇ ਗੈਸਟ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲ ਰਾਵੇ बात यह है कि गेस्ट तो आते ही रहते हैं सारे लेकिन फैसल राम में आजकल भाई छाया हुआ है शायरी ऐसी दर्दनाक शायरी सुनाता है अगले बंदे को आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और उसके बाद फिर जो होता है वो एक नई चीज फैसल रामे ने मुतारफ कराई है मिलियन डिलियन बिलियन में व्यूज हैं फैसल रामे साहब के नादिन नाल नासर मुगल साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त मेरी सहेली वो आमर साहब सिंगर ने जोड़े अदनान भाई बेस गिटार थे और साढ़े नाल एडी भाई ढोलक तो एडी मतलब मैं थोड़ा तो एंड तसागा एडी का की मतलब फैसल साहब कैसे हैं आप सर फैसल साहब आप हमारे आज गेस्ट हैं जी कोई कॉमेडियन नहीं पे कोई युगते हैं मैंने इन्हें इन सबको रोका हुआ कि खबरदार मैं चपेड़ा मारागा किसी ने अगर बत नहीं जी की एक सौ एक परसेंट साढ़े गैसट हो मेरे को कसम चुका लो भाव सर, तो बिल्कुल डरना नहीं सर जैसे ही ये हरकतें कर रहे थे मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं गेस्ट हूं हाँ गुड ये देखा ना अच्छा अब मैं आपसे कहा आप स्ट्रगल है मतलब कहाँ आप चाल से थिएटर थिएटर से चाल चाल से थिएटर कहाँ आप उसी रस्ते में आते जाते रहे हैं वाह वाह भाई आपने चप्पा चप्पा चरखा चले कमाल है भाई जी मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझसे रिस्पेक्ट मैं कर रहा हूं आपकी अच्छा नादरी एक मैं आपको बात बता दू मेरी एक बात आप ध्यान से सुन ले वो वो लोग भी मेरे सारे हमारे आर्टिस्ट अगर देख रहे हैं प्रोग्राम के ये इन ये फैसल रामे साहब है हमारा भाई है इसके साथ हम अगर मजाक थोड़ा सा जरा ज्यादा हो जाए मजाक का तो आपने कल को हम आपको कहें जी आप हमारे गेस्ट हैं तो आपने ये रेफरेंस नहीं दिमाग में रखना हर हैं डिजर्व? डिजर्व करता है या जितना डिजर्व करता है उतना उसकी रिस्पेक्ट होती है सर बिल्कुल सर तो लेकिन जब आप गेस्ट कर, बन गए गे हैं तो नहीं भी डिजर्व करना तो करनी कह रहे है कि झाल से ये वो स्ट्रगल

लग्जरी? लग्जरी, अच्छा, लग्जरी या सर अच्छी लाइफ गुजारी है क्योंकि मेरे अबू ने अलहमद के लिए वालदेन तो करते ही करते हैं लेकिन मेरे अबू ने कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल हमारे लिए की है। इब्तदाई तालीम आपने से की? सर बेसिक जो मैं यानी कि नर्सरी प्री नर्सरी वो शाह फैसल स्कूल से मैंने फिर उसके बाद में आला तलीम हासिल करने के लिए एम सी मॉडल हाई स्कूल आ गया

कवर करके बैठे ना आप माशाल्लाह नहीं प्रॉब्लम क्या है नाम है आपका नहीं मेरा नाम है तो तो कोई भी नहीं कह रहा आपको क्या प्रॉब्लम है मेरा मेरी है आपको नजर आ रही तो क्या प्रॉब्लम है इसमें मेरा ध्यान बंदा सीधा ही तो मेरा भी आपके नाक पे पड़ रहा है मैंने तो कुछ नहीं कहा <laughs> <laughs> सफर जिंदगी का क्या शौक कहाँ से पड़ा आपको सर शौक बचपन से ही था किस चीज का वैसे मुझे पता नहीं आप क्या करते क्या आप आप क्या करते हैं, मतलब है। अच्छा, हैं। अल्लाह हुई है आपकी आजकल आपके तो आजकल वो टिक बुक पे और फेसटॉक पे इनके बड़े चल रहे हैं और सारे वो, वो। इंस्टा ट्यूबर पे सारे इनका जो डाटा है हाँ हां वाव पे जो ग्राम पे, पे। हाँ हाँ जी वो जी। आपके मिलियन में जा रहे हैं सर नहीं अभी नहीं जा रहे मैंने पिछले हफ्ते इंस्टा अपना बनाया अकाउंट तो विद इन 15 डे मुझे 10 मिलियन लोगों ने वॉच किया वा 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 माशाल्लाह अच्छा वो आप जल्दी-जल्दी हमारे प्रोग्राम का टाइम बहुत कम होता है सर साडे उदा एक मिनट एक मिनट बयान सही कर लो उस्ताद जी सही करो अंदर करो उलझन हो रही

ए, चलें आप कोई अपना वो वो शेर शेर हमें प्लीज यार वो शेर दावाँ। 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 अच्छा शेर मैं आपको सुनाऊं वो नहीं, नहीं वही जो आपका वायरल हुआ है वही अच्छा मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि बेसिक हूँ जब शेर सुनाता था ना लोग रोने लग पड़ते थे जी जी ऐसा ही है बिल्कुल लेकिन मेरा ये मिशन नहीं है मैंने हंसी और मुस्कुराहटे बखेरनी है ये मिशन है मेरा अल्लाह मुझे कामयाब करे अल्लाह सबको कामयाब करे आमीन आमीन जी जी तो एक तो बड़ा मशहूर जो वायरल हुआ था जो मांगू दे दिया कर ऐ जिंदगी वाह 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 क्या कहने जी जी असल साहब जी जी वाँ, वाँ, वाँ। जो मांगू दे दिया कर दे दिया कर ऐ जिंदगी कभी तो मेरे बाप जैसी बन जा वाह कभी तो मेरे बाप जैसी बन जा वाह 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 और जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते देखा वाह मैंने बाबा से अमीर कोई शख्स नहीं देखा वाह और बाप के बाद खुद ही है सबसे बचना मैं नागिन डांस नचना मना <प्राग> अच्छा ये जो मैं नागन डांस नचना में आपने एक मार्फत की बात की ना ये बहुत कम लोगों को समझ आएगी मेरे हिसाब से बिल्कुल सार्थ। ये मजाक नहीं है वैसे नहीं नहीं बेसिक रोते हुए को हंसाना ये मैंने टर्न यूं लिया हाँ ताकि लोग खुश हो जाए पहले इमोशनल होंगे फिर खुश हो जाए टर्न जी हाँ। ये एक मैं और सुनाता हूँ आपको ये मैंने आज ही लिखा है जी जी वाह वाह क्या बात है क्या बात है वाह वाह क्या कहने रहे ये होता है जो कोई कोई ऐसा कलाकार होता है कि पहले ही दाद हो हो ये सर मैंने लिखा है तो आप बिलीव करें कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी मैं मैं अबू को सामने रख के सोच के लिखता हूँ कि खुद फाके काट के खुद फाके काट के खुद फाके काट के हमको है पाला मेरे बूने ने ओहो खुद खाके अबू ने हमको है खाक खुद फाके पाल के हमको है बूने काटा वाह 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 क्या क्या है।, है क्या हो गया टीम ना बना लिए इधर हो जो मैं इधर हो जाना खुद फाके काट के हमको है पाला हाँ खुद फाके काट के हमको है पाला, पाला। मेरे अबू का अंदाज था दुनिया से निराला मेरे का अंदाज़ था दुनिया से निराला मुझे जिंदगी का, तो का, का हर हुनर सिखाया मेरे तो अबू ने मेरे जिंदगी का मुझे जिंदगी का हर हुनर सिखाया मेरे अबू ने मेरे तो अबू ने बस अपने बगैर जीना नहीं सिखाया बस अपने बगैर जीना नहीं सिखाया मुझे जिंदगी का हर हुनर सिखाया मेरे बाप ने अपने बगैर जीना नहीं सिखाया बाबा एक बार आओ मुझे जीना सिखा दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो ये मैं भी नहीं आप यकीन करेंगे मैं बस ये कहां कहां का, से उतरते हैं आपके दिमाग आपके दिमाग में इतना हिजर कहां से उतर आता है मेरी तो रो-रो के पखियां टूट गई और मैं غربत पे मैंने बहुत लिखा है ऊंची इमारतों ने मेरे घर को छुपा दिया कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए ओए हाय तो हाय तो हाय फैसल तो हाँ, हाँ, हाँ। साहब वाह ऊंची इमारतों ने मेरे घर को छुपा दिया कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज सूरज भी खा गए और पंजाबी में था उचिया कंधा डकली मेरे घर डक रब्शी धुप भी लोगो मेरे तक नई गुर्बत इस दुनिया से बहुत बड़ा अजाब मेरा ढोला खानदानी नवाब <laughs> यार तू तो अजाब वाह 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 फैसल साहब आप खुद भी मेरा ख्याल रो पड़ते हैं जब आपको आमद होती होगी <laughs> <laughs> यार तुम किसी की भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हो वैसे वाह वाह फैसल साहब क्या बात है आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप दोबारा भी आ सकते हैं प्रोग्राम में मुश्किल <laughs> Tchau, tchau.